हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू यू जी सीनेट मैंट और आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइज फाइनली आज से हम यू जी सीनेट पेपर वन के लिए प्रीमियम क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज़ द फर्स्ट क्लास एज यू ऑन लो माई नेम इज़ मोहम्मद आजम आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन जे जी एस आईबी यूनिवर्सिटी न्यू डेली एंड दिस इज माई क्वालिफिकेशन गाइज़ इससे पहले हम आगे बढ़ें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेलाइकन प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे एंड गाइज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि सर हम किस तरीके से ज्वाइन करें व्हाट्सएप तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक गिवन है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे जहाँ पे आपको इन क्लासेस के लिंक टाइम टू टाइम रिसीव होते रहेंगे सो so गाइज मैं बता दूँ कि जो क्लासेज हैं ये आपकी लाइव क्लासेज नहीं होंगी बिकॉज मुझे कॉलेज में भी पढ़ाना होता है तो जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और फाइनली आपके लिए एट पी तक मैं इसको अपलोड कर देता हूँ ठीक है सो so थोड़ा सा अगर लेट हो जाए थोड़ा सा डिले हो जाए एट से एट थर्टी तक अगर मिल जाए आपको क्लास तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बिकॉज जो क्लास है थोड़ा सा लेट हो सकती है बट मैं ट्राई करूंगा कि एट ओ क्लॉक तक जो है यहाँ पर क्लास अपलोड कर दी जाए ठीक है एंड गाइस सेकेंड थिंग कि यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज फॉर पेपर वन और पेपर टू जो है दैट इज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जिसके लिए हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे अपकमिंग डेज़ में तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम है अभी उससे पहले हम पेपर वन डिस्कस करेंगे और पेपर वन में हम यूनिट वन से स्टार्ट करेंगे और सारी यूनिट कवर करेंगे सो so गाइज़ बस आप लोगों से एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग इस वीडियो को यानी सबको बताना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि यहाँ पर प्रीमियम क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है जिसके लिए मार्केट में पैसे चार्ज किए जा रहे हैं यहाँ पर क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और यहाँ पर हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे हम जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन बनते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक रीजन अर्सन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दो तीन ऑप्शन दे देते हैं सिमिलर सिमिलर तो उस हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम ताकि जो आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटैप्ट करना है तो आप लोगों से मुझे सपोर्ट की जरूरत है जितने ज्यादा व्यूवर्स बढ़ेंगे हमारी क्लासेस पे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा फर्दर वीडियोज़ बनाने के लिए बिकॉज मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी सो so गाइज मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अभी सभी यूजीसी एक्सपीरियंस के साथ ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पर हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं सो गाइज फाइनली एज यू ऑल नो कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो आज हम ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे आज मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरीके से हम फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं पेपर वन के लिए और फर्दर हमारी क्लासेज हैं हम वो किस तरीके से कंटिन्यू चलेंगी एज यू ऑल नो कि जो हमारी क्लासेज हैं वो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे तीन दिन हमारी क्लासेज होंगी फॉर पेपर वन और जो बाकी तीन दिन बचेंगे ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे इसमें हम बात करेंगे आपके लिए जो जॉब नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो, गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नेट के बेसिस पे या इसके अलावा पीएचडी में जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं कि तो किस तरीके से करें कब फॉर्म निकल रहे हैं इसके इसके अलावा गाइज रिसर्च अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो रिसर्च पेपर के लिए मैं आपको गाइड करूंगा यहाँ पर इन डेज में टी में और एमडब्ल्यू में आपको क्लासेज मिलेंगी एट पी पे और और गाइज इसके अलावा फेलोशिप के लिए हम बात करेंगे इन टी टी वाली डेज में तो यहां पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा बस बदले में आपको मुझे सपोर्ट करना है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके यूजी सीनेट एक्सपीरियंस के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्दर अपडेटेड सिलेबस ऑफ यूजी सीनेट पेपर वन गाइज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है जून वाला इसके लिए जो अपडेटेड सिलेबस है सिलेबस तो वही है सिलेबस में कोई चेंज नहीं है तो एक बार हम सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं और गाइज इस बार सुनने में आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग के चांस हैं कि यू जो है यानी जो एन है वो प्लान कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो है उसको लाया जाए तो इस बार जून में मुझे नहीं लगता है कि इस बार जून तक हो पाएगा नेगेटिव मार्किंग बट नेगेटिव मार्किंग इन फ्यूचर होने के चांसेस हैं तो मैं आप सभी से बस यही बोलूंगा आप लोगों को सभी को ये गाइड करूंगा कि बस लग जाओ जी जान से इस बार निकाल दो एग्जाम नेट निकालो, निकालो जो आर निकालो जो जो आपको जितनी मेहनत करोगी वो चीज आपके लिए निकल जाएगी इजिली ठीक है तो करना की आपको प्लानिंग के प्लानिंग करके पढ़ना है ताकि आप इस एग्जाम को इजिली क्वालिफाई कर पाओ इसी वाले अटैम्प्ट में सो गाइज दिस इज योर सिलेबस आप सभी को पता होगा पेपर वन का जो आपका सिलेबस है वो उसका कोड डबल जीरो है और जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च के नाम से जाना जाता है पेपर और द थिंग इज कि यहाँ पर जो यूनिट वाइज है आपको पता होगा सभी को टोटल टेन यूनिट्स हैं

एज कंपेयर विद पेपर टू ईजी होता है बिकॉज पेपर वन हमेशा स्कोरिंग होता है मैं हमेशा बोलता हूं कि जो पेपर वन है वो स्कोरिंग होता है अगर आप पेपर वन की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो आप इस हंड्रेड में से इजिली एट्टी टू नाइनटी के अराउंड अगर आप पहुंच जाते हो तो डेफिनेटली आपका जे आर एफ कहीं नहीं गया इस आउट ऑफ हंड्रेड ठीक है तो करना है क्या आपको आपको इस आउट ऑफ हंड्रेड एट्टी टू नाइनटी के अराउंड स्कोर करना है तो आपका जे आर एफ जो है उसके चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और गईस आप सभी को पता होगा कि हमारे यूजीसी नेट में मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी होते हैं तो आपको मिनिमम फोर्टी परसेंट स्कोर करना होता है दोनों ही पेपर में तो यहां पर अगर हम बात करें कि टोटल फिफ्टी क्वेश्चन हैं तो फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन का फोर्टी परसेंट कितना होता है फाइव फोर जे ट्वेंटी मतलब आपको ट्वेंटी क्वेश्चन तो सही करने होंगे क्वालिफाई करने के लिए और फर्दर इसके अलावा अगर आपको नेट या जे कैटेगरी में आना है तो आपको इससे भी ज्यादा अच्छा स्कोर करना होगा और गाइज जो, ये जो, जो कोटा है फोर्टी परसेंट का ये वेरी करता है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है ओके सो गाइज फर्दर हम यहां पर प्लान कर लेते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं तो यहां पर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा यूनिट वन दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं हम सारे सारे टॉपिक कवर नहीं करेंगे हम ओनली कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी करेंगे लाइक टीचिंग टीचिंग है तो टीचिंग में जो इंपॉर्टेंट है यहां पर इस टॉपिक में जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम बिल्कुल इन डेप्थ नहीं जाएंगे बिकॉज इन डेप्थ जाने में बहुत टाइम लगेगा और फिर उसको जो क्लासे बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी एक दो दो घंटे की हो जाएंगी तो इतना भी नहीं करना हमें हम इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे अगर आपको कंप्लीट स्टडी करनी है तो आप मेरे नोट्स अवेल कर सकते हैं इन नोट्स को नोट्स प्लस क्लासेज इन दोनों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप आउट ऑफ हंड्रेड में जो आपका पेपर होता है इसमें डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे ये मेरी गारंटी है बिकॉज हम वीडियोस लेक्चर से जो हम क्लासेस यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट्स होंगे तो उससे आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी डेप्थ वाली ठीक है तो हम करेंगे क्या यहाँ पर हम ओनली टॉपिक कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर वन के तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां पर जाकर एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना मैंने इस वीडियो में बताया था कि कौन से टॉपिक कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करने कौन से इंपॉर्टेंट है तो हम इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज ठीक है सो एज यू ऑल नो कि पर आपके टोटल टेन यूनिट्स हैं तो इन दस के दस यूनिट को कवर करेंगे ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और गाइज अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अभी आप लोग मेहनत करके नेगेटिव मार्किंग इससे पहले हो जाए इस एग्जाम को निकाल दो और फाइनली हाँ गाइज एक चीज और हम इन दस के दस यूनिट को कवर करने के बाद हम करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे बिकॉज आपके कुछ टॉपिक हैं जहां से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं लाइक like ये वाला टॉपिक आपका हायर एजुकेशन तो यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी करके आई है अभी इसके अलावा भी बहुत सारे करंट अफेयर से रिलेटेड रिलेटेड चीजें होती हैं लाइक पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है तो आपको पता होगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे करंट इश्यूज रहते हैं होते रहते हैं तो एन्वायरमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अभी जो एग्जाम हुए हैं इसमें भी हमें देखा था हमने देखा था कि जो इन्वायरमेंट का टॉपिक था यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो करंट अफेयर से रिलेटेड थे तो हम इस टॉपिक को इस टॉपिक को भी इस तरीके से हम कवर करेंगे कि जो आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है इन टॉपिक्स को लेकर के वो कवर हो जाए और गाइस आईसीटी बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे इसके जो लाइक फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म होती हैं सारी की सारी जो चीजें हैं वो नो हमारे नोट्स में अवेलेबल हैं तो आप एक बार नोट्स अवेल कर लें बिकॉज आप वीडियो लेक्चर्स को नोट्स से कनेक्ट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप पेपर उनमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे गाइज ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है किस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको सिर्फ पढ़ना है अच्छे से वीडियो लेक्चर देखो जितने भी मैं लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा इन सभी को गो थ्रू करो नोट्स ले लो इन दोनों को कनेक्ट करके आप बस में पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से पढ़ो प्लानिंग कर लो और आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं गाइस एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है वो कितना है सपोज करो जून में एग्जाम होता है तो अराउंड सिक्स मंथ हमारे पास हर एक मंथ में हम ऑन एन एवरेज थर्टी डेज मान के चलते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे वन डेज टोटल हमारे पास वन डेज है अब क्योंकि आपके दो पेपर होते हैं पेपर वन एंड पेपर टू ठीक है अब इन दोनों ही पेपर में आपको पता होगा दोनों में दस दस यूनिट आपको करनी होती है तो पेपर वन की दस यूनिट और पेपर टू की दस यूनिट टोटल टोटल टो, यूनिट्स टो 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 कितनी हो जाएंगी ट्वेंटी यूनिट्स आपको कवर करनी है कितने डेज में वन एट्टी टू डेज में वन एट्टी डेज में तो अगर हम इन ट्वेंटी यूनिट्स की अगर हम बात करें कि आपको एक यूनिट में कितना टाइम देना है तो वन डिवाइड बाई ट्वेंटी यूनिट्स तो यहाँ पे डिवाइड करने में कितना आएगा टू नाइन या एटीन अब आपको बिलीव नहीं होगा कि एक यूनिट को आपको नाइन डेज देने केवल वो भी अच्छे से मतलब अगर आप एक यूनिट को नाइन डेज भी दे रहे हो तो भी आपका जो टाइम है सिक्स मंथ का वो खत्म हो जाएगा और आपका एग्जाम आ जाएंगे ठीक है तो अगर आप एक यूनिट को केवल नाइन डेज दे रहे हैं तो भी आपकी जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगी तो आप खुद समझ लो कि जो आपके पास टाइम है वो लिमिटेड है ये मत सोचो कि मंथ मंथ है है कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा तो करना क्या है? अभी से पढ़ना है प्लानिंग कर लो टाइम टेबल बना लो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह का एक सौ दो घंटे आपको देने हैं अगर आपको शाम को पढ़ना अच्छा लगता है तो शाम को आपको एक सौ दो घंटे देने स्टडी में सो गाइज कंसिस्टेंट रहना है आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है ये चीज आपको याद रखनी है कि जो टाइम है आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है अगर हम बात करें अपने सिलेबस की यूजीसी नेट की तो जो आपका सिलेबस है बहुत ज़्यादा वाइड होता है आपके दो पेपर होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहता है तो मैं आपको आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली आपका इसी वाले अटेम्प्ट में जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा जो लोग वर्किंग हैं जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि जब भी आपको टाइम मिले ऑफिस में टाइम मिले वहाँ पढ़ सकते हैं आप आधे घंटा अगर आप घर पर आते हैं रात को टाइम मिले एक घंटा वहां भी दे सकते हैं अगर आप मॉर्निंग में आप दे सकते हैं वन आवर तो बहुत अच्छी बात है तो आप लोगों को टाइम मैनेज करना है गाइज अगर आपको कोई चीज अचीव करनी होती है तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि हाँ हमें चीज अचीव करनी है कुछ भी हो जाए हम ये चीज चाहिए तो जब भी जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगी ना कि कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज चाहिए तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर लेंगे अपने आप रास्ते बंद चले जाते हैं चाहे आप कितना भी बिजी क्यों ना हो ठीक है गाइज सो दैट्स ऑल एंड गाइज मैं अब नोट्स करें बता देता हूँ हाउ टू क्वालिफाई यू जी स्नेट इन फर्स्ट अटेम्प इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यूनिट टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी टारगेट बेस्ड स्टडी इन द सेंस कि जितने भी आपके टॉपिक है पेपर वन में आपको उन सारे टॉपिक को पहले कवर करना है देन उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने देन प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस करने तो आपका डेफिनेटली जो पेपर है वो क्रैक हो जाएगा तो इसके लिए मैंने कंप्लीट बंडल बनाया आप लोगों के लिए पेपर वन का दिस इज कम्प्लीट सोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट वाइज कंप्लीट टॉपिक्स अवेलेबल हैं टॉपिक्स जो हैं हर एक यूनिट वाइज को हमने कवर किया है यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसी क्यूज हैं प्रीवियस प्रीवियसियस पेपर्स हैं विद सोल्यूशन तो आप इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू तो मैं आपको इन नोट्स के रिगार्डिंग पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और गैज ये जो नोट्स हैं ये हार्ड कॉपी में अवेलेबल है तो मैं आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर पे भिजवा दूंगा तो आपके घर पे चार से पाँच दिन में पहुंच जाएंगे तो आप इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझे इस गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं क्योंकि तो बहुत नॉर्मिनल से चार्ज है नोट्स के बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है तो आप इन नोट्स के रिगार्डिंग मुझसे कॉल करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं सो so गाइज क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी तो बस हमने प्लान किया है कि हमें कैसे पढ़ना है फर्दर और मैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो क्लासेस हैं वो मंडे को वेडनेसडे को फ्राइडे को होंगी 8 पीएम पे रात को आठ बजे आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी यूजीसी नेट पेनटोर पर और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी को पता चले कि यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है यूजीसी ने पेपर वन की सो गाइज थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो शेयर शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एक्सपीरियंस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोज सो गाइज बिकॉज आज पहली क्लास थी तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चाहूंगा हम नेक्स्ट क्लास से अपने टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे सो so गाइज वीडियो अब अच्छी लगी हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना और फॉलो करते रहे चैनल हमारा सो so गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप वॉचिंग यू जी सी नेट मेनोर थैंक यू सो मच